हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हालचाल हैं आपकी। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं हैं तो आज की रेसिपी वीडियो देख के डेफिनेटली अच्छे होने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे दो रेसिपीज़। पहली तो है पालक पनीर, साग पनीर बोलती हूँ मैं इसे, पर इसमें हमने सिर्फ पालक डाली है। दूसरी ये मैं घर में तवे पे तंदूरी रोटी की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। सो जल्दी से शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले मैं पालक को बहुत अच्छी तरह धो लेती हूँ, क्योंकि यूजली पालक में बहुत सारी मिट्टी होती है जो हमें रिस्क नहीं लेना है, तो इसे अच्छे से पानी में बहुत अच्छी तरह धो लें। और अगली चीज़ करेंगे हम, इस पालक को करेंगे बॉयल। बॉयल करने के लिए मैंने एक पैन में पानी को उबलने के लिए रख दिया है। जब पानी उबलना शुरू हो जाएगा तो मैं उसमें ये पत्तों को ऐड कर दूंगी और हम इसे बॉयल करेंगे 10-15 मिनट तक। तब तक ये पालक अच्छी तरह कुक हो जाएगी। और पालक का रंग हमें डार्क नहीं करना है, मुझे पालक थोड़ी हरी ही अच्छी लगती है। तो वंस हमारी पालक हो चुकी है रेडी, हम इसको निकाल लेंगे। मैं स्ट्रेन कर लेती हूँ और पालक के पानी को मैं सेव नहीं करती हूँ। सो उसके बाद मैं इस फूड प्रोसेसर में डाल के इसको करूँगी ग्राइंड। पालक को ग्राइंड करने का ये है, मैं इसमें इसलिए ग्राइंड करती हूँ क्योंकि इससे पालक थोड़ी दानेदार रहती है। अगर आप स्मूदी मिक्स वाले में ब्लेंड करते हो तो बहुत ही ज़्यादा क्रीमी पेस्ट बन जाता है, जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। पर इस फूड प्रोसेसर में बड़े ब्लेड के साथ ये थोड़ा दानेदार रहता है, ऐसे लगता है कि आपने इसको हाथ से मिलाया है। सो वंस हमारा मिक्सचर रेडी है, मैंने इसको निकाल लिया है एक कटोरी में। अब हम लेंगे अनियन, टमाटर, अदरक, हरी मिर्ची। तड़का लगाने के लिए मैं यूज़ करती हूँ सरसों का ऑयल, और मैंने अब इस सारी चीज़ों को ग्राइंड कर लिया है। सबसे पहले है लहसुन, जो मैं आपको दिखाना भूल गई हूँ अर्लियर, देन प्याज है, और टमाटर, जिंजर एंड हरी मिर्च का एक ही पेस्ट बना लिया है। इसमें मैं क्रीम भी डालूंगी और मक्खन भी। क्रीम के लिए मैं 120 ml क्रीम यूज़ कर रही हूँ, और पनीर के भी मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं ऑलरेडी। सो तड़के के साथ शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं तेल को गर्म करके उसमें जीरा डाल लूँगी। जीरा डालने के बाद अगली चीज़ हम डालेंगे गार्लिक। गार्लिक को अच्छी तरह रोस्ट कर लेंगे। काला नहीं करेंगे, थोड़ा जब अच्छा ब्राउन कलर का हो जाएगा उसमें हम अनियन ऐड कर देंगे, और अनियन को अच्छी तरह करेंगे हम लोग कुक। सो वंस हमारे अनियन काइंड ऑफ ब्राउन एंड ट्रांसलूसेंट हो गए हैं रंग में, अब हम इसमें चीज़ें डालेंगे। सबसे पहले मैं डालूंगी हल्दी, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, रेड चिली, और इसे मिक्स कर लूँगी। सो अनियन में पहले मैंने सॉल्ट डाल दिया था ताकि अनियन जल्दी कुक हो जाए, तो अब मैं दोबारा से सॉल्ट ऐड नहीं कर रही हूँ, वो बाद में करूँगी मैं टेस्ट करके कि इसको सच में ज़रूरत है या नहीं, ताकि नमक बढ़ नहीं जाए। सो इसको मिक्स करने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर का पेस्ट। अब हम इसे अच्छी तरह कुक कर लेंगे जब तक टमाटर तेल नहीं छोड़ देते।
सो टमाटर के इस मिक्सचर को मैं ढक दूंगी ताकि अच्छी तरह कुक हो जाए. वंस ये कुक हो गया, अब हम इसमें पालक डालेंगे कि इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसको थोड़ा कुक करेंगे, लाइक 2-3 मिनट के लिए. ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारी पालक ऑलरेडी कुक्ड है. सो इस पालक को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए ढक लूँगी, जैसे मैंने बताया कि 2-3 मिनट तक इसको कुक करेंगे. उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे क्रीम. सो क्रीम को डालने के बाद अगेन से मैं 5-6 मिनट्स तक कुक करूँगी. हम इसमें बटर ऐड कर देंगे और ऐड कर देंगे पनीर और थोड़ी देर के लिए और कुक करेंगे, अराउंड 5-10 मिनट्स मोर. और यस, हमारी सब्जी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है खाने के लिए. यस, हमारी सब्जी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है खाने के लिए. इसके साथ खाने के लिए आप रोटी यूज़ कर सकते हैं, जो भी परांठा, जैसे भी आपको अच्छा लगता है. ये बहुत 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 डिलिशियस बनती है और जब भी आप ये रेसिपी को ट्राई करें मुझसे ज़रूर शेयर करें, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जब आप बताते हैं कि आपने मेरी रेसिपी ट्राई की और आपको बहुत अच्छी लगी. सो यस, ये बहुत ज़रूरी काम है, ज़रूर से करें. सो यस, ये बहुत ज़रूरी काम है, ज़रूर से करें. और अब हम बनाएंगे रोटी. रोटी बनाने के लिए मैं रेगुलर आटा ही यूज़ कर रही हूँ. वैसे ये तंदूरी किस्म की रोटी है तो आप मैदे का आटा भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं जो हम रेगुलर हमारी रोटी के लिए आटा यूज़ करते हैं मैं वही यूज़ करूँगी. सो उसको बनाने के लिए हम लोग लेंगे एक पेड़ा, पेड़े को बेल लेंगे जैसे हम रेगुलर रोटी बनाने के लिए बेलते हैं. और मैंने तवे को गर्म कर लिया है. तवे को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, पर थोड़ा गर्म करूँगी ताकि जब मैं ये रोटी उस पर डालूँ चिपक जाए. और अब रोटी को आपको करना है थोड़ा सा गीला, लाइक कम ही गीला करें क्योंकि वो तवे पे चिपक जाती है. मैंने इतना ज़्यादा गीला इसलिए किया है क्योंकि जो मेरा तवा है वो काइंड ऑफ नॉनस्टिक है, तो उससे मेरी रोटी चिपकती नहीं है आसानी से. सो आपको रोटी की एक साइड पे पानी लगाना है ताकि वो आपके तवे के साथ चिपक जाए. ये लॉजिक है. जब वो चिपक गई है आपको उल्टा करना है तवे को और हीट के साथ कुक करना है. और कोशिश करनी है कि तवे को हिलाते रहें ताकि वो हर साइड से इवनली कुक हो जाए. और दूसरी आपको चीज़ करनी है कि फ्लेम को थोड़ा लो कर लें ताकि अच्छी तरह कुक हो. सो वंस वो इस तरफ से कुक हो चुकी है, मैं तवे को दोबारा से स्टोव पे रख देती हूँ ताकि दूसरी साइड भी अच्छी तरह कुक हो जाए. वंस मुझे लगता है कि वो कुक हो चुकी है, मैं उस पर लगाऊंगी बटर एंड ये रेडी है सर्व करने के लिए. और आप यकीन नहीं मानेंगे, इसका फ्लेवर तंदूर की रोटी जैसा लगता है. आई डोंट नो वो कैसे होता है, पर या ये काफ़ी स्मोकी से फ्लेवर की रोटी बनती है और बहुत सारी चीज़ों के साथ बहुत अच्छी लगती है. मैंने मेरे किसी पिछले व्लॉग में आपके साथ शेयर की थी ये रोटी और आप तब से कह रहे थे कि आपको रेसिपी चाहिए. बहुत आसान है. अब आप अपनी सब्जी को मक्खन डाल के रोटी के साथ अनियन के साथ सर्व करें और पति परमेश्वर को खुश कर दें. सो यस, आज की इस वीडियो के लिए इतना ही. उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो को पसंद किया होगा और ये भी उम्मीद करती हूँ आप ज़रूर से ये ट्राई करेंगे और मुझे बताएंगे कि कैसी लगी. और दैट्स इट, मैं मिलूँगी नए वीडियो में. तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूलें दोस्तों, यू गाइज़ आर ब्यूटिफुल जस्ट द वे यू आर. स्टे हैप्पी, कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रांग. वी गाइज़ कैन डू एनी फ्रीकिंग थिंग. ऑल यू हैव टू डू इज़ थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन. दैट्स इट. बाय, लालू.